नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आज जो आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप अपना पैन कार्ड खो चुके हैं या और आप अगर डुप्लीकेट ऑनलाइन अपना पैन कार्ड निकलवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से इसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पैन कार्ड जो है वो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम आईडी प्रूफ की तरह और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और फाइलिंग इनकम टैक्स के लिए भी, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद जो है पैन एक 10 नंबर का यूनिट डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो कि टैक्स डिपार्टमेंट हमें इशू करता है और ये जो वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप इसे खो चुके हैं तो आप एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट के जरिए अपना जो है डुप्लीकेट कॉपी इसकी इशू करा सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी, आगे बताए जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ स्टेप्स, उनके जरिए आप जो है ऑनलाइन कॉपी जो है इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉलो जो लिंक मैं बता रहा हूँ उस पर, वो लिंक अपने वेब ब्राउजर पर आपको डालनी पड़ेगी। ये जो है लिंक, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज nsdl.com पर जो लिंक की जो लिंक है, ये आपको अपने ब्राउजर पर डालनी है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। तो इस स्क्रीन में आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, वहां पर देखेंगे कि एप्लीकेंट टाइप आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है कि न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉर फॉरेन सिटीजन एंड चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड और नो चेंज एग्जिस्टिंग पैन डाटा। मीन्स अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है अपने प्रीवियस पैन कार्ड की जो कि खो चुका है, तो आप ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और नया पैन कार्ड भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो है कैटेगरी ऑप्शन के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप कैटेगरी मेन्यू के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फिर से बहुत से ऑप्शन देंगे। पर अगर आपने जैसे कि अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल पैन कार्ड था तो आप यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर आपका कोई कंपनी पैन कार्ड था या ट्रस्ट था या लिमिटेड LLP था, तो जो भी था आपका जो प्रीवियस पैन कार्ड जिस भी कैटेगरी का था वो कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे इसी पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेंट यानी कि आपकी जो है जो भी एप्लीकेंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन में टाइटल यानी मिस्टर, मिस या मिसेज जो भी है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका लास्ट नेम, फिर आपका फर्स्ट नेम डालना है, और अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप उसे फिल करेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अच्छा होगा कि अगर आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि ये आगे जाकर जो है ई साइन में आपको मदद देगा। उसके बाद ये जो कैप्चा रहेगा, कैप्चा आपको प्रोवाइड करना है, और कैप्चा प्रोवाइड करने के बाद एक स्मॉल बॉक्स नीचे दिया रहेगा उस पर क्लिक करना है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेंस का आपको बताएगा कि यस आपने जो है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक थैंक यू मैसेज आएगा जो है कि थैंक यू मैसेज विल अपियर फॉर यूजिंग द ऑनलाइन पैन एप्लीकेंट सर्विस ऑफ NSDL ई गवर्नमेंट विद अ टोकन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको जो है एक थैंक यू मैसेज के साथ आपको जो है एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जब टोकन नंबर मिलने के बाद फिर आपको जो है एक मोड ऑफ सबमिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका पैन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर 3 मोड ऑफ सबमिशन आपको दिए रहेंगे। पहला दिया रहेगा सबमिट डिजिटल थ्रू EKYC और ई साइन। जी हाँ, यहाँ पर ये पूरी तरह से डिजिटल रहेगा और यहाँ पे आपके जो EKYC और ई साइन हो जाएगी, और जैसे कि मैंने कहा कि आपके आधार कार्ड के थ्रू ये जो है हो जाएगा अगर आपका जो मोबाइल नंबर वो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड के साथ और वो एक्टिवेट है, क्योंकि आपका जो है OTP उसी पे आएगा। दूसरा ऑप्शन आता है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, और तीसरा ऑप्शन आता है आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी कि आप फिजिकली भी अगर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट जो है सेंड करने होंगे गिवन एड्रेस पर। उसके बाद एक बार आप जो है इसे पेमेंट मैसेज को, यानी इसके बाद आपको पेमेंट मैसेज करनी होगी, और एक बार आप पेमेंट कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपका जो पैन का स्टेटस आप देख सकते हैं जो कि 15 डिजिट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा पेमेंट मेथड कंप्लीट होने के बाद। तो उस एक्नॉलेजमेंट के जरिए आप जो है अपना पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं, और अगर आपका जो है ई जो पैन कार्ड रिसीव होने में देर लग रही है ड्यू टू लॉकडाउन या कुछ होने में, तो आपको एक ई कार्ड भी आपके जो है ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा जो भी आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी आपने इसमें मेंशन की है। तो
तो ये थे दोस्तों प्रोसेस, किस तरह से आप जो है ऑनलाइन पैन कार्ड अगर आप खो चुके हैं या नया भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के जरिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।